yapar.
डर्मल डेरिवेटिव, ये भी डर्मल डेरिवेटिव है, ये भी डर्मल डेरिवेटिव है, तो कैसा होगा? हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा, रिजिड भी होगा, हार्ड स्ट्रांग रिजिड होगा। ये जो है फाइव तरह के जो प्लेस्टिया है उससे बना होता है। तो अब कौन कौन सा है ये देखिए, इसका जो पहला प्लेस्टिया है वो है फर्स्ट, जो जितना भी हम नाम बोलेंगे वो एक एक पेयर होगा, ठीक है। तो पहला हो गया इक्टोडर्मल प्लेस्टिया, जैसे कि ये हो गया इक्टोडर्मल प्लेस्टिया, इस तरह से यहाँ बीच में होता है इक्टोडर्मल प्लेस्टिया। दूसरा हो गया ये जो वन लिख रहे हैं ना, यानी कि वन पेयर, कोई भरोसा नहीं है लिखी होता है, वन पेयर इक्टोडर्मल प्लेस्टिया होगा। वन पेयर जो है वो मीजो प्लेस्टिया होगा, वन पेयर जो है वो हाइपो प्लेस्टिया होगा, वन पेयर जो है वो इंडोप्लेस्टिया होगा, और एक पेयर जो होगा वो जीपी प्लेस्टिया होगा। तो प्लेस्ट्रोन आर कंसिस्टिंग फॉर्म ऑफ वन पेयर एक्टोडर्मा प्लेस्टिया, वन पेयर मीजोप्लेस्टिया, वन पेयर हाइपोप्लेस्टिया, वन पेयर इंडोप्लेस्टिया एंड वन पेयर जीपी प्लेस्टिया। तो इस तरह से जैसे कि ये हो गया एक्टोडर्मल प्लेस्टिया, ये हो गया मीजोप्लेस्टिया, ये हो गया हाइपोप्लेस्टिया, एक पेयर होगा तो इधर वाला हुआ ये दोनों, उसी तरह यहाँ पे हो गया एंडोप्लेस्टिया, जीपी प्लेस्टिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा है वो वन पेयर प्लेस्टिया होता है, एंड दिस फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेस्ट्रॉन। तो यही जो है एक साथ मिल करके स्ट्रक्चर बनाता है प्लेस्ट्रॉन का, जो नीचे से उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, कारापेस उसको ऊपर से प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। अब बात ये है कि ये तो ऊपर से है, ये नीचे से है, दोनों आपस में जुड़ा कैसे रहेगा? तो लेटरल फिगर आर प्रेजेंट बिटवीन कारापेस एंड प्लेस्ट्रॉन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द कारापेस एंड प्लेस्ट्रॉन। तो ये लेटरल फिगर जो है वो प्लेस्ट्रॉन और कारापेस के बीच में जुड़ा रहेगा, तो जो इसको क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको? कारापेस और प्लेस्ट्रॉन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये है कारापेस, ये है प्लेस्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे ये लेटरल फिलर, ठीक है। तो हम इसका जो है क्या कर रहे हैं कि ये टॉर्टोइज बॉन है, ये टॉर्टोइज है, इसको आधा काट दिए हैं, इस तरह से काट दिए हैं, ठीक है। तो वो आधी बंद मटान मारने लग जाता है, इस तरह से इसको काट दिए हैं, तो काटा हुआ यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये नेक निकलता है, ठीक है, और यहाँ से इसका लिम्स निकलता है बाहर, पीछे से भी यहाँ से इसका लिप्स, ठीक है। तो ये तो हाफ पार्ट पोर्शन है, ऐसे ही और हाफ हम लगाएंगे तो एक पैर इधर और आएगा और एक एक पीछे भी आएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया तुम्हारा कारापेस, ये हो गया प्लेस्ट्रॉन। अब ये जो हमें दिख रहा है ये यहाँ पे, ये जो दीवार तेल होगा तो यहाँ से तेल निकल के बाहर आएगा, है ना। तो ये जो दिख रहा है यही हो गया तुम्हारा लेटरल फिलर। तो कहाँ प्रेजेंट है ये कारापेस और प्लेस्ट्रॉन के बीच में? इसी की वजह से इसको सपोर्ट मिल पा रहा है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह कारापेस, प्लेस्टोन एंड लेटरल फिलर फॉर्म अ बोनी बेस स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड अ डोम सेपेड स्ट्रक्चर ऑफ सेल व्हिच प्रोवाइड टू द एनिमी व्हिच प्रोवाइड टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी। किसका? ट्रोट्राइज को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अपने एनिमी से, और व्हेन इट फील थ्रेटेंड एट दैट कंडीशन देयर हेड, टेल और नेक लिम्स आर विथड्रॉन इनटू द सेल। जब इसको ऐसा फील होता है कि आसपास हमारे कुछ है, कुछ आ रहे हैं जिससे कि हमें हानि होने वाला है, या हमें मारने वाला, या हमारा प्रेडेटर है, या हमारा एनिमी है, तो वो अपना हेड, नेक और वो पूरे अपने सेल के अंदर घुसा लेता है, ताकि ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ नहीं है, ये एक स्टोन है, उसको कोई हानि नहीं कर पाता है।
चेंज होगा। ये यहाँ तक का पोर्शन का हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स टाइप होगा, इसका खोजा यानी इसका वैक्यूम भी इसमें अब्सेंट होगा, किल मून इसमें अब्सेंट होगा। अब हमने क्या बताया कि ये इसका जो सेल होता है वो इसका सिर्फ ऊपरी ढांचा नहीं है कि इसके इसको इसके एनिमल को हम निकाल लेंगे और इसका सेल को हम बाहर फेंक देंगे, जैसे मोलस्का में पड़े थे उसके सेल को हम लोग 100 पीस के लिए उसको रख लेंगे और उसके एनिमल को हटा देंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। तो ये जो है इसका एक ऑर्गेन है, एक पार्ट है, जैसे कि एक ऑर्गेन के बिना कोई नहीं रह सकता, वैसे ही ये बोन ऊपर का जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बिना ये नहीं रह सकता। तो इसका जो रिब्स होता है, रिब तो सब समझते हो क्या होता है, जो रिब्स होता है वो अटैच होता है इसका यही कारापेस से। तो ये जो कारापेस है इससे इस तरह से रिब्स अटैच होता है, इससे रिब्स जो है किससे अटैच होगा, कारापेस से। अब बताओ अगर कारापेस को हटा दिया जाए तो ये ऑर्गेनिज्म रहेगा, बचेगा कि चला जाएगा, आत्मा से पल्ला पल्ला मिलन हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो ना। तब ये रिब्स जो होगा इसका कारापेस से अटैच होगा, ठीक है। अब इसके ये हो गया रिब्स वाला पोर्शन, ठीक है। अब आते हैं इसका इस वाले पोर्शन, अब इस वाले पोर्शन में देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मिटा देते हैं ना, फिर जगह स्पेस हो जाएगा। These are the skeletal peculiarities of Chilonia.